रुचि, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम इतना तो समझ ही गए हैं कि लिमिट किसी भी पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू a f of x, किसी भी पॉइंट पे लिमिट किसी फंक्शन की क्या है, इसका उस पॉइंट पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आती है बात एग्जिस्टेंस की। क्या लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है या कभी एग्जिस्ट नहीं भी करती, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। वी विल अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। सो आई एम टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। हियर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखते हैं इस फंक्शन की लिमिट इस जीरो पे क्या होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स। एट जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट जीरो, यू कैन सी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन अपॉन जीरो विच इज इंफिनिटी, राइट, और अनडिफाइंड। Now I am taking point 1. At point 1, f of point 1 is equals to 1 upon point 1 equal to 10. Like this. At point 01, it will be 100. At point 001, it will be 1000. Right? Now I am taking negative point 1. I will get negative 10. At negative 0.01, I will get negative 100. Negative 0.001, negative 1000. Okay? So, what we are see here is the value of x. Let's understand it with the graph. This is positive x-axis, this is negative x-axis, this is y-axis, negative y-axis, origin, okay? So, 0 पे तो infinity है, हमें में देखना है कि negative x-axis पे और positive x-axis, x की values पे क्या हो रहा है? You can see, at point 1, क्या है? Value कम हो रही है, मान लो point 1 यहाँ पे है, value कम हो रही है, और fx की value बहुत तेजी से बढ़ रही है। पॉइंट वन पे 10 है तो पॉइंट 01 पे 100 होगी, पॉइंट 001 पे 1000 होगी। सो नेचर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है y उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एफ एक्स वाई पे टू एफ एक्स भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से इन्फिनिटी को पहुंच ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो नेगेटिव में क्या हो रहा है, कौन सा बड़ा है, माइनस 10 बड़ा है या माइनस 100 बड़ा है। नेगेटिव में कैसे होता है, माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2, ठीक। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें क्या होना है, जैसे जैसे यहाँ पे आते जा रहे हैं हम, वैल्यू बढ़ रही है वाई की, बढ़ती जाए तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तो पहुँचेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ कहाँ पहुँचेगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे लिमिट क्या होगी। सो अब कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने देखा था कि लेफ्ट से हमारे राइट से हमारे और एक पॉइंट पे आके मिल गए, एक पॉइंट पे आके फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। अगर लेफ्ट से और राइट से फंक्शन सेम वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर सेम नहीं आती दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो यू कैन सी हियर द लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मीन्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x,
लिमिट ऑफ 1 अपॉन x इज पॉजिटिव इंफिनिटी, यू कैन राइट पॉजिटिव इंफिनिटी, एंड लिमिट x टेंड्स टू o माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू इंफिनिटी. तो लेफ्ट दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. दैट मीन्स लिमिट डजंट एडजस्ट. ठीक है, तो ऐसा हमेशा नहीं कि लिमिट सभी फंक्शंस की एडजस्ट करती है, तो कहीं कहीं लिमिट नहीं भी एडजस्ट करती. ठीक है, अगली वीडियो में मैं और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी. हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं लिमिट के, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. उसके बाद हम प्रॉपर डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन करेंगे. ठीक है, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज यूजफुल फॉर 12th क्लास एंड ऑल्सो हायर एजुकेशन. थैंक यू वेरी मच.